26 नवंबर 2008, ये एक ऐसा डेट है जो शायद ही कोई भूल सकता है। एक डेकेड से भी ऊपर हो गया, लेकिन मुंबई में हुए आतंकी हमले को लोग जब आज भी याद करते हैं या स्क्रीन पे किसी मूवी या वेब सीरीज के रूप में देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। जो लोग उस सिचुएशन में फंसे थे, चाहे वो ताज में हो या वीटी स्टेशन में या नरमन हाउस या और भी बाकी 5 लोकेशंस में, उन पे क्या बीती थी ये बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। 26/11 पे हम लोग ऑलरेडी मूवीज लाइक राम गोपाल वर्मा की द अटैक्स ऑफ 26/11 या फिर देव पटेल स्टारर होटल मुंबई ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब क्या आपको अमेज़न पे रिलीज हुई मुंबई डायरीज 26/11 देखनी चाहिए कि नहीं? चलिए इस रिव्यू में आगे बात करते हैं। डोंट एंग्री मी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man। देखिए गाइस, इस शो को देखने से पहले ये जान लीजिए कि ये एक फिक्शनल शो है। आई नो आप बोलेंगे कि यार ये तो 26/11 पे बेस्ड है तो फिक्शनल कैसे? फिक्शनल इसलिए क्योंकि इस शो में सारे डिटेल्स को उसका ऑथेंटिक नाम नहीं दिया गया है। इस शो में आपको 26/11 के बारे में ही दिखाया जाएगा, लेकिन इसमें फोकस किया गया है एक हॉस्पिटल और वहाँ के डॉक्टर्स के अराउंड। रियल शूटआउट हुआ था कामा हॉस्पिटल में, लेकिन शो में उस हॉस्पिटल को बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल का नाम दिया गया है। टेररिस्ट के नाम तक चेंज है और किसी का भी रियल नाम नहीं यूज किया गया है। इनफैक्ट ताज होटल को भी पैलेस होटल का नाम दिया गया है और ये शो मोस्टली इन्हीं दोनों फिक्शनल लोकेशन यानी बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल एंड पैलेस होटल के अराउंड रिवॉल्व करता है। मेरा इंटरेस्ट इस शो में 3 वजह से था। एक तो ऑब्वियसली मैं जानना चाहता था कि उस रात आखिर डॉक्टर्स पे क्या बीता था, उन पे कितना प्रेशर आया होगा इस पूरे केओस के वजह से, और इन डॉक्टर्स के थ्रू इस स्टोरी को हम लोग अभी तक देखे नहीं थे, तो आई वॉज टोटली इंटरेस्टेड। दूसरा रीजन था निखिल अडवाणी का डायरेक्शन, जो हमें मूवीज लाइक बाटला हाउस, पटियाला हाउस, डी डे एंड द आइकॉनिक कल हो ना हो दे चुके हैं। और थर्ड रीजन था श्रेया धनवंतरी, जिनकी एक्टिंग का मैं फैन हो चुका हूँ स्कैम 1992 और द फैमिली मैन देखकर। बात करें एपिसोड्स का, तो ये शो 8 एपिसोड्स का है जो अराउंड 40 मिनट्स ईच है, जहाँ आपको ये डिटेल में नहीं दिखाएगा कि 26/11 की रात को आखिर क्या हुआ था, क्योंकि वो सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बल्कि इसमें कम्युनल हार्मनी दिखाने की कोशिश किया गया है कि कैसे इस सिचुएशन में भी जात पात बीच में आ गया था, और यकीन मानिए ये सब दिखाना बहुत ही बॉल्जी है। इसमें एक मुसलमान डॉक्टर है, एक दलित डॉक्टर है, एक अमीर बाप की डॉक्टर बेटी है, और एक ऐसा डॉक्टर जो अपने मर्जी का मालिक है और प्रोटोकॉल्स को जेब में लेकर घूमता है फॉर गुड reasons। फॉर एग्जाम्पल एक सीन है जहाँ एक मुस्लिम डॉक्टर एक मरे हुए हिंदू लेडी के लिए दुआ कर रहा है। फिर एक पुलिस वाला है जो इतना ढीठ है कि मरने की हालत में भी एक दलित डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाह रहा है। मेंटल हेल्थ के भी इशू को टच किया गया है जो काबिले तारीफ था। तो बेसिकली ये सब टॉपिक इस शो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे भी किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पे ये बहुत ही फोर्स्ड लगता है। इस शो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इसका ग्राफ बार बार अप एंड डाउन हो रहा था। पहला 4 एपिसोड बहुत एंगेजिंग है, लेकिन उसके बाद का 4 एपिसोड अपने नरेशन में कहीं खो जाता है। एक स्टेडी इंटरेस्ट आपको शो में थ्रू आउट देखने को नहीं मिलेगा। आपका इंटरेस्ट रहेगा कि डॉक्टर्स इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किए, क्योंकि यही प्लॉट है इस शो का। लेकिन 5th एपिसोड से ये शो अपने मेन प्लॉट लाइन से हट जाता है, जो मुझे सही नहीं लगा। आई फील इस शो को इजिली 6 एपिसोड में खत्म किया जा सकता था, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता। बात करें अगर डायरेक्शन का, तो निखिल अडवाणी का डायरेक्शन अच्छा था, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही वीक हो गया, स्पेशली पुलिस और टेररिस्ट के बीच के क्लैश वाला सीन्स। फॉर एग्जाम्पल एक सीन है जहाँ 5 पुलिस ऑफिसर्स के 10 कदम पे 2 टेररिस्ट है, और फिर भी पुलिस उन्हें गोली नहीं मार पाती, उल्टा टेररिस्ट इजिली पुलिस को गोली मार देते हैं। ये स्पेसिफिक सीन मुझे बहुत ही फिल्मी लगा, जिसको अवॉइड किया जा सकता था। वैसे इस स्पेसिफिक सीन को छोड़कर बाकी जितना भी क्लैशेस वाला सीन था, सबको बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया, और वो सारे सीन्स आपका इंटरेस्ट ग्रैब करने में कामयाब हो जाता है। शो का एडिटिंग भी बहुत अच्छा है, जहां आपको फ्लैशी इमेजेस के साथ साथ कुछ रियल लाइफ फुटेजेस भी मिलते रहेंगे, और सिंस स्टोरी लाइन 2 लोकेशन पे डिवाइडेड है, तो आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बना रहता है कि दोनों लोकेशन में आखिर चल क्या रहा है। और इस बात का तारीफ करना होगा कि 2 लोकेशन होने के बाद भी ज्यादा फोकस हॉस्पिटल दिया गया, ना कि पैलेस होटल में। अब बात करें परफॉर्मेंस का, तो इस शो का सबसे बिगेस्ट प्लस पॉइंट है एक्टर्स का परफॉर्मेंस। मोहित रायना, जो डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय को रोल प्ले कर रहे हैं और जो इस शो के लीड एक्टर हैं, उनका परफॉर्मेंस टॉप नॉच था। 1 मिनट के लिए भी वो अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकले, और आप उनकी सिचुएशन से एम्पथाइज भी करेंगे। बाकी 3 ट्रेनी डॉक्टर्स दिया, आहान और सुजाता भी काफी इम्प्रेसिव थे, और यहाँ तक कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स लाइक सिक्योरिटी गार्ड वासु और समर्थ, जो हॉस्पिटल का छोटा मोटा काम करता है, इन सब का भी परफॉर्मेंस आपको काफी इम्प्रेस करेगा। श्रेया धनवंतरी, जो एक रूथलेस न्यूज रिपोर्टर मानसी का रोल प्ले कर रही है, अपने जबरदस्त एक्टिंग से आपको फिर से इम्प्रेस कर देंगी। स्कैम 1992 में भी एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले की है, और यहाँ भी, एंड आई फील कि ये रोल उनपे बहुत सूट करता है। वो इस शो में पूरे मीडिया को रिप्रेजेंट करती है कि कैसे मीडिया किलर स्टोरी के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हैं, और कैसे मीडिया एक जरिया भी बन जाता है टेररिस्ट को गाइड करने के लिए, जो देखकर आपको मीडिया पे गुस्सा भी आ जाएगा। और डायरेक्टर अपने डायरेक्शन से
और श्रेया धनवंतरी अपने परफॉर्मेंस से ये इमोशन आपके अंदर लाने में कामयाब हो जाते हैं। लास्टली शो में कोंकणा सेन शर्मा भी है जो एज ऑलवेज अच्छा परफॉर्मेंस दी है, बट आई फील कि इनके टैलेंट को वेस्ट किया गया। इनका रोल और भी अच्छा हो सकता था और इनके जैसे एक्ट्रेस को डायरेक्टर निखिल अडवाणी को और अच्छे से यूज करना चाहिए था। वैसे अगर सारे टेक्निकलिटीज को हटाकर आप मुझसे सिर्फ ये पूछेंगे कि भाई ये शो देखने में थ्रिलिंग है कि नहीं, मजा आएगा कि नहीं, इसको देखें कि नहीं, तो भाई शो थ्रिलिंग है। फर्स्ट 4 एपिसोड्स में एंगेजिंग भी है, लेकिन ये ऐसा शो नहीं है जिसके बारे में मैं किसी को बोलूं कि भाई ये कैसे नहीं देखा तू, इस टाइप का शो नहीं है ये। लेकिन हाँ, अगर शो 6 एपिसोड का होता और अपने सेकंड हाफ में स्टोरी लाइन से नहीं हटता तो मैं ये बात जरूर बोलता, लेकिन सिंस ऐसा नहीं है तो इसलिए इस शो को आप एक बार जरूर देख सकते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि उस अटैक में डॉक्टर्स का क्या हाल हुआ था जो न जाने कितने लोगों का जान बचाए होंगे। तो वॉच इट फॉर दोज रियल लाइफ हीरोज, बाकी आपसे बड़ा जज कोई भी नहीं है, इसलिए आप इस रिव्यू से खुद जज कर लीजिए कि ये आपके देखने लायक है कि नहीं, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं। और ऐसे ही लेटेस्ट रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।